नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है एजीवी जी की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, वो है कैटलिटिक कन्वर्टर। कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो इमिशंस कंट्रोल करने का काम आता है, यानी कि जब आपकी गाड़ी में से सारा जो जितना भी मामला है, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ, पावर प्रोड्यूस हुई, उसके बाद जब वो धुआं एग्जॉस्ट यानी कि जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे बाहर निकलने लगता है, उस वक्त वो इमिशंस कम हो, इसके लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि है कैटलिटिक कन्वर्टर। कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो मतलब महंगी चीज है, पहले नहीं हुआ करती थी, तो उन सब चीजों की बात कर लेते हैं कि कब ये शुरू हुई, कैसे हुआ। 1975 के आसपास में ये डिवाइस जो है गाड़ियों में यूज किया जाने लगा, 1975 में, यानी कि लगभग अब यूज करते करते हमें लगभग होने वाले हैं 40-50 साल में। तो उस समय कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो यूज किया जाने लगा। उसके बाद में आज तक कैटलिटिक कन्वर्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहली चीज तो कैटलिटिक कन्वर्टर जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कई ऐसे मेटल्स यूज किए जाते हैं जो कि एग्जॉस्ट गैस के साथ रिएक्शन करके उन गैसेस को जो है उसको डिफरेंट फॉर्म में बना देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या कोई और रिएक्शन करके उनकी ऐसी गैस बना देते हैं जो कि इतनी हार्मफुल ना हो। तो ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्ट करते हैं वो महंगे होते हैं। मेटल्स अगर मैं नाम लूँ तो रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये जो मेटल्स है ये यूज़ किए जाते हैं उसमें, तो ये बड़े महंगे होते हैं। आपको अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि कितने महंगे होते हैं। कई मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो इन मेटल्स की जगह आजकल गोल्ड यूज़ करने लगे हैं, सोना यूज़ करने लगे हैं। सोना उन वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है उनको। तो अब जो चीज़ सोने से महंगी जा रही है तो वो डेफिनेटली महंगी होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब क्या होता है, कैटलिटिक कन्वर्टर का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही गैसेस जो है वो इंजन से निकली बाहर, ठीक है, बाहर निकलते ही वहां पे एक एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, वो सेंसर डिटेक्ट करता रहता है कि कितनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्यों डिटेक्ट करता है वो? क्योंकि जब जो भी गैसेस बर्न होती है, बर्न होके जा रही है कैटलिटिक कन्वर्टर की तरफ, उनमें थोड़ी सी सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए और गर्म भी होनी चाहिए वो, क्योंकि कैटलिटिक कन्वर्टर जो है उसको ऑक्सीडाइजेशन वगैरह करने के लिए वहां पे दोनों चीजों की जरूरत होती है, गर्मी की भी जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी वहां पे होने चाहिए, उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो वो सेंसर जो है वो बताता रहता है गाड़ी के एयर फ्यूल मिक्सचर के ईसीयू को कि भैया एयर फ्यूल मिक्सचर में थोड़ी सी ऑक्सीजन कम डालो, थोड़ी ज्यादा डालो। उस हिसाब से कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो वहां पे रिएक्शंस करता रहता है और जो हार्मफुल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं या अदर गैसेस जो होती है वो कैटलिटिक कन्वर्टर में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ही कम एमिशंस जो है वो आपकी टेल पाइप से, यानी कि जो पीछे पाइप है उसके धुएं से बाहर निकलता है। तो अगर कैटलिटिक कन्वर्टर ना हो तो आप मान के चलो एक कार जो है वो 5-6 कारों के बराबर का इमिशंस करती, मतलब 5-6 कारों के बराबर का पॉल्यूशन कर देती, प्रदूषण कर देती। तो कितनी काम की चीज़ है कैटलिटिक कन्वर्टर, ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। कुछ चीज़ें कैटलिटिक कन्वर्टर के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बताते हैं। पहले पॉजिटिव तो कैटलिटिक कन्वर्टर का आपको पता है, इमिशंस कंट्रोल करता है, तो पॉजिटिव ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो कैटलिटिक कन्वर्टर के नेगेटिव्स ये है कि एक तो वो महंगा पड़ता है, तो कार की रेट जो है वो मतलब लगभग कई हज़ार रुपयों से बढ़ा देता है सबसे, मतलब मेन कई हज़ार मतलब 50-60 हज़ार रुपये के आसपास रेट बढ़ा देता है वो कार की। डिपेंड करता है कौन से मैन्युफैक्चर कितना मेटल किस में कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस पर भी। कई लोग अच्छा वाला कैटलिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं जिस जो एक्चुअली बैटरी से कनेक्ट होकर गर्म भी होता है, क्योंकि एक जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की तो कैटलिटिक कन्वर्टर तो ठंडा पड़ा है, वो उस वक्त इमिशंस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सारे की सारी गैसेस बाहर निकल जाएगी। कई अच्छी गाड़ियां जो है वो क्या करती है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देती है और जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं बैटरी जो है फटाफट कैटलिटिक कन्वर्टर को गर्म कर देती है ताकि वो शुरू से ही काम करने लगे। गर्म होना जरूरी है कैटलिटिक कन्वर्टर को। एक तो ये नेगेटिव हो गया कि वो हर बार प्रॉपरली काम नहीं कर पाता अनलेस वो गर्म हो जाए। उसके बाद में आजकल क्या है, चोरों की नज़र है इस पर। चोर जो है वो क्या करते हैं, गाड़ी के नीचे से आते हैं, कैटलिटिक कन्वर्टर जो है तोड़ के ले जाते हैं और उसमें से फिर वो प्लैटिनम, रोडियम और पैलेडियम वगैरह जो मेटल है वो निकाल लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं। तो वो मतलब भले ही उनके लिए वो ज़्यादा कुछ हज़ार रुपये का ही फायदा हो, लेकिन आपके लिए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। आप नया लगाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उससे हो जाता है। बाकी तो कैटलिटिक कन्वर्टर जो है बड़ी कमाल की चीज़ है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रिड्यूस करने में अगर किसी चीज़ कार में कोई भी डिवाइस हो, भले ही मैंने 2-3 डिवाइसेस की वीडियो पहले भी बना चुका हूँ मैं कि भाई चाहे वो चारकोल कैनिस्टर हो चाहे वो EGR हो, कैटलिटिक कन्वर्टर जितना पोल्यूशन कम करने में कोई भी मदद नहीं करता है। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही अच्छी जो है इन्वेंशन जो ये रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कैटलिटिक कन्वर्टर के बारे में जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर अपनी कार में डिटेक्ट करना है तो गाड़ी के जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो शुरू होता है इंजन के पास में या ड्राइवर सीट के नीचे या ड्राइवर सीट से जो इंजन के पीछे वाली जगह है
वहां पे आप कैटलिटिक कन्वर्टर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। पसंद आया दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया आपने, और आपको डेली वीडियोज देखनी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। मैं आपके लिए रोज एक ना एक वीडियो आता हूँ। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।